क्षेत्र में आदिवासी दल बैठक की झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बेवर थाना क्षेत्र के गांव निवासी 8 वर्षीय नाबालिग दलित बालिका खेतों पर अपनी दादी के साथ घास लेने गई, तभी नसी में दूध थाना क्षेत्र के ग्राम बजेहरा निवासी आरोपी संजू पुत्र निर्देश बालिका को पकड़कर झाड़ियों में ले गया, जहां आरोपी ने बालिका के कपड़े उतारकर उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, लेकिन बालिका के चीखने पर आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। बालिका की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित मासूम बालिका के परिजनों ने घटना की तहरीर थाने पर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में मुकदमा दर्ज किया। वहीं बेहद कम समय में ही पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी संजू पुत्र निर्देश को थाना बेवर क्षेत्र के छपरा मऊ तिराहे से गिरफ्तार भी कर लिया है और दलित उत्पीड़न व पॉस्को एक्ट की धाराओं में उसे जेल भेज दिया। क्या घटना हुई आपके साथ? अच्छा, किसने फेंका था आपको? एक आदमी है तो उसका नाम आप पहचान दिए उसे? उसने हमें कपड़ा पड़ा सब वहीं फेंक दे और हमें फिर मम्मी अम्मी लगाए तब सेवर ने हमें बचाया। ये इसकी क्या है पूरी जानकारी? जानकारी जैसा लोग बता रहे हैं, बच्ची बता रही है कि किसी ने अपने कपड़े उतार करके इसके साथ पूरी नीयत से गलत काम करने का प्रयास किया, तब तक लोग आ गई। बच्ची पहचानती नहीं है किसी को, छोटी बच्ची है और जो लोग आस पास के आए या इनके घर वाले क्या जानकारी देते, अब थाने आए हुए और सीओ साहब भी शायद पूछताछ कर चुके हैं और मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। बच्चियों से जो रेप की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, निश्चित रूप से निष्क्रियता है पुलिस की और पुलिस को जागरूक होकर के बच्चों के साथ आम नागरिकों को भी जागरूक होकर के। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई आपका अगला कदम क्या होगा? इस पर कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई कराने के लिए इसके परिवार के साथ है, जो परिवार वाले चाहेंगे निश्चित रूप से उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश प्रधान, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव।